मिस्टर हेनरी ये लीजिए, ये खजूर खास आपके लिए मंगवाया है मैंने काबुल से। एक्सलेंट सर। सर ये चाय फॉर यू स्पेशली फ्रॉम दार्जिलिंग। थैंक यू। बलवान जी आई थिंक आपके यहाँ आज पूरे इंडिया का खाना होगा। सर पूरा इंडिया भी तो आप ही का है। बस बंगाल नहीं, सर आई मीन बंगाली खाना नहीं, फिश करी, इधर मछली नहीं मिलता है। सर आप जानता होगा इधर मछली कहाँ मिलता है। Well, I don't buy my groceries, Mr. Chattopadhyay. I have other important work to do. हमने आपकी मिल का इंस्पेक्शन किया था। I confess, I am really impressed that your mill was even open today on holiday. Thank you, sir. लेकिन आपके वहाँ पर accounts दिखाने के लिए हैं। कोई accountant नहीं था। सर आज गुरु पूर्णिमा है ना, गुरु का पूजा होता है, तो अकाउंटेंट साहब का एक गुरु है इसलिए आज वो एब्सेंट था। उसके फेस के कारण हमारा इंस्पेक्शन पूरा नहीं हुआ, मतलब मैं इंस्पेक्शन को पेंडिंग ही रिपोर्ट करूंगा। विच इन टर्न मीन्स यू फेल। सर हेनरी हमारे मिल के अकाउंट्स परफेक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक इट फ्रॉम मी, मैं कल खुद सारे पेपर्स आपके ऑफिस में भिजवा दूंगा, आप उसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप ये देखिए कि आपके लिए मैंने क्या खास तोहफा मंगवाया है। स्विट्जरलैंड से मंगवाई है मैंने खास आपके लिए। सोने से बनी है, आपकी हथेली पर बहुत बढ़िया दिखेगी, ये लीजिए। बहुत महंगी होगी, यू मस्ट हैव कॉस्ट अ लॉट। दिस इज रियली नाइस गिफ्ट मिस्टर बलवंत, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम सर। लेकिन इस बार हमें एक खास तोहफे का इंतजार है। एक्चुअली आई हैव कम टू योर होम फॉर अ गिफ्ट यू हैव प्रॉमिस्ड। खास तोहफा सर मैं कुछ समझा नहीं। आपके पार्टनर मिस्टर कुलकर्णी ने आज हमें एक खास तोहफा गिफ्ट करने का वादा किया है। अच्छा, आज वो हमें एक टाइगर का बच्चा गिफ्ट करने वाले हैं। आपकी प्रसन्नता का माध्यम बनना तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है साहेब। बड़ा चालाक है ये कुलकर्णी, इसने तो चर्चा तक नहीं की मुझसे इस बारे में। जरूर ये मुझे पछाड़ना चाहता है। तोहफा कब आ रहा है? मेरे बच्चे उस टाइगर कब को देखने के लिए बेचैन है। आज ही आने वाला है, हरिओम। आप भोजन करेंगे तब तक वो आ जाएगा। सरकार। अरे मनोहर आओ आओ आओ। नाम लिया और शैतान हाजिर। शतायुषी हो आए, बाप का बच्चा। माफ कीजिए सरकार, मैं आपके लिए बाप का बच्चा नहीं ला सका। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साई आप थक गए होंगे, यहां मेरे बिस्तर पर बैठ जाइए। तुम्हारे
या मेरे? हाँ साई, मेरा मतलब वही था। अच्छा है दादी, साई शरद तो आ नहीं पाया लेकिन उसने आपके लिए छतरी भिजवाई। साई ये रजाई मैंने अपने हाथों से बनाई है, आपको बहुत आराम मिलेगा। ये दूसरी रजाई बस देखने की है, सर्दी में मेरी रजाई का कोई मुकाबला नहीं है। बहुत अच्छी है दी। सही, ये चांदी की मुरली आपके लिए, और मैंने कई तरह की मिठाई भी मंगवाई है। और ये कश्मीरी सेब, साईं आप दूर से आए हैं, भूख लगी होगी, खा लीजिए। जरूर खाऊंगा गंगाराम जी, लेकिन पहले सबसे मिल तो लूं। जी साईं। साईं ये सिल्क वाली कफनी आपके लिए। अच्छे तोहफे हैं, लेकिन केशव तुम तो कह रहे थे सबसे अच्छा तोहफा तुम्हारा है, दिखाओगे नहीं? मैं तो कब से प्रतीक्षा कर रहा हूं साईं। अरे वाह पालकी, आप इस उम्र में भी पैदल हर जगह जाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है साईं, इसलिए मैं आपके लिए ये पालकी लाया हूं। तुमने मेरे लिए कितना सोचा केशव। शुक्रिया साईं। आप सभी के तोहफे बहुत अच्छे हैं और इसलिए मैं आप सबका आभारी भी। वैसे इस साल तोहफे बहुत हैं, लोग कम। साई आज भी मिल खुली है, कुछ लोग ज्यादा पैसे कमाने के लालच में आज भी काम करने गए। कोई बात नहीं थी बात, काम भी जरूरी है। ये तुम क्या कह रहे हो, तुमने तो कहा था तुम्हारे पास बाघ का बच्चा है।
साथ देख रहे हो? इन्हें मैंने वचन दिया है कि इन्हें मैं बाघ का बच्चा भेज दूंगा और तुम कह रहे हो तुम्हारे पास बाघ का बच्चा नहीं है। अच्छा तो तुम्हें और पैसे चाहिए लोभी कहीं के? नहीं सरकार, मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए, मैं भटक गया था। जो एक बच्चे को उसकी मां से चुरा कर आपको देने का वादा किया, लेकिन साईं ने मुझे सही रास्ता दिखाया और उस बच्चे को उसकी सही जगह पे पहुंचाया जहां उसे होना चाहिए था, उसकी मां के पास। क्या कहा साईं? जी सरकार, उन्होंने ही मुझे एक बच्चे से उसकी मां को अलग करने का पाप करने से बचाया। वो हमारे गांव आए थे, वहां आके उन्होंने मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हीं के साथ शिरडी लौटा हूं और साईं ने ही मुझे से कहा कि मैं आपसे जाकर माफी मांगू, क्योंकि सरकार गलत ही सही, लेकिन मैंने अपना वादा तोड़ा है। मुझे क्षमा कर दीजिएगा सरकार। मिस्टर कुलकर्णी, ये क्या मजाक है? तुम्हें टाइगर का बच्चा अपने पास बुलवाकर मुझसे प्रॉमिस करना चाहिए था। मेरे बच्चों को जो दुख पहुंचेगा उसका क्या? और मैं अपने बच्चों की खुशी के लिए जीता हूं, उनकी खुशी को छीने ये मैं होने नहीं देता। मिस्टर बलवंत, ये कैसे लोकपाल रखे हैं आपने? I'm so sorry, sir. इतना भी सेंस नहीं है। टू अरेंज समथिंग फर्स्ट देन मेक प्रॉमिस। If this kind of people are associated with the mill, then I really fear for its future. Sir, मैं चाह रहा हूँ कल हर हालत में accounts भिजवा देना। Sir, I'll see you face the inspection. Sir, sir, lunch करके तो चाहिए। Your partner's incompetence has ruined my appetite. साहेब इतना क्रोधित मत होइए, मैं शीघ्र ही कुछ इंतजाम करता हूँ। No. I don't trust your words anymore. साहेब, साहेब रुकिए तो, साहेब। सरकार आपसे नहीं हो रहा है तो प्रयास क्यों करना? अब मुझे उनकी खुशामद करनी पड़ेगी, शांत करना पड़ेगा उन्हें। तुम दोनों ने तो कहा था कि वो फकीर मर गया है और सबूत भी ला कर दिए थे मुझे। माफ कर दीजिए सरकार, दरअसल आप हर सबूत के 5 रुपए दे रहे थे ना, तो हम दोनों ने नकली सबूत ला कर दिए थे आपको। बच्चों, तुम भी मेरे लिए कुछ लाए हो? हाँ साईं। साईं, गुलदस्ता बनाया। गुलदस्ता बनाया। पूर्णिमा पे आपको हमारा प्रणाम साईं। ये तोहफा मुझे सच में पसंद आया। गुरु पूर्णिमा के दिन मैं हमेशा बच्चों को कुछ देता हूं, आज भी मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं।
लो। ले लो मातंग, जितने चाहिए उतने ले। लेकिन मेरे दोस्तों के लिए कम पड़ जाएगा। उसकी चिंता मत करो, किसी को कम नहीं पड़ेगा। जी भर के ले लो। एक तो मुझसे झूठ बोला तुम लोगों ने, ऊपर से शिरडी वालों के सामने मेरी नाक कटवा दी। क्या सोच रहे होंगे शिरडी वासी मेरे बारे में, कि कुलकर्णी सरकार के बात का कोई मोल नहीं है? कोई मोल, कोई मोल, कोई मोल नहीं है, कोई मोल। थोड़ा धीरे बाले, थोड़ा गुस्सा उस फकीर के लिए बचा के रखिए, जवाब का मत। उसके हिस्से का भी क्रोध आज तुम लोगों पर निकलेगा। उसके लिए तो मेरे मन में आज बहुत क्रोध है। शिरडी के बाहर के गांव में भी मेरा काम बिगाड़ रहा है वो। आज उसने अंग्रेज अधिकारी के सामने मेरी नाक कटवा दी, उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। कई बार बच्चे हमें सही राह दिखा जाते हैं, जैसा कि आज भी हुआ। हम चकाचौंध में इतने खो जाते हैं कि जरूरतें क्या है यही याद नहीं रहता, जैसा तुम सबके साथ हुआ। जमीनें बिकी, मिल बनी, शिरडी का आर्थिक विकास हुआ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पैसा आते ही तुम सबने अपना प्यार पैसों में तोलना शुरू कर दिया। अगर तोहफा महंगा है तो ही अच्छा है, तोहफा बड़ा है तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन इस स्पर्धा में तुम सब ये भूल गए कि मेरी जरूरतें क्या है। एक अरसा हो गया मुझे शिरडी में रहते हुए, तब से हर रोज प्रवचन सुनाता हूं, शिक्षाएं देता हूं, लेकिन पैसा आते ही तुम वो सब भूल गए। और सादगी के बदले शानो शौकत के पीछे भागने लगे। ये भी भूल गए कि मेरी मान्यताएं, मेरी सोच क्या है। तुम मुझे बताओ, लकड़ी के एक पट्टे पे सोने वाले को आलीशान बिस्तर की क्या जरूरत?
अली, जो आसमान को उड़ के सोता हो उसे रजाई की क्या जरूरत है? और अब्दुल, जिसे पत्थर पे बैठकर ही आराम मिलता हो उसे शीशम की कुर्सी की क्या जरूरत? और केशव, तुम मुझे समझाओ कि एक भिक्षा मांगने वाला फकीर पालकी का क्या करेगा? और अगर पालकी रख भी ली तो शरद ने खुद ना आकर इतने प्यार से अपने ना आने की जो भरपाई की है, इतना कीमती छाता देकर, उसका क्या होगा? मेरी जरूरत तो सिर्फ इन बच्चों ने समझी और मुझे इतने सुंदर फूल दिए। इसमें इतना पैसा नहीं, प्यार छुपा है। और मैं आप सबसे उसी प्यार की अपेक्षा करता हूं। मिठाई की नहीं गंगाराम जी। हमें गलत मत समझे, आपके आशीर्वाद से हम आर्थिक रूप से संपन्न हुए हैं, इसलिए सोचा उस धन का उपयोग आपको खुश करने के लिए करें। चंदू, मुझे खुश करने का और कोई तरीका भी तो होगा। कैसा तरीका साई? साई, प्रणाम। साई, आने में देर हो गई क्योंकि यहाँ शिरडी के पास एक गांव में बच्चों की संख्या अधिक है और उनके पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है। वहां आज से आपके नाम से एक छोटा सा स्कूल खुला है। मैं सीधा वहीं के उद्घाटन से आ रहा हूँ। आप शिरडी में नहीं थे वरना आपको भी ले जाता। ये खुशखबरी मेरी तरफ से आपको गुरु पूर्णिमा का तोहफा है साई। नाना, ऐसा तोहफा सर आंखों पर। बिना किसी प्रतिस्पर्धा, बिना किसी ईर्ष्या या दिखावे के नाना ने जो जनकल्याण का काम किया है, यही मेरी जरूरत है। मेरी जरूरत है कि सब खुश रहे, कि मैं सबकी मदद कर सकूं, और जहां मैं मदद ना कर सकूं वहां आप सब आगे आकर एक दूसरे का साथ दें। मेरी जरूरत पालकी नहीं, मेरे भक्तों का कंधा है जिसके सहारे मैं चल सकूं। और सबसे बड़ी बात, ये कीमती चीजें जो मेरे चहेतों को आपस में लड़ाते, उनमें गलतफहमी पैदा करते, बचपन के दो जानी दोस्तों को एक दूसरे का दुश्मन बनाते, आप सबने ये सोचा भी कैसे कि ये चीजें मेरी जरूरतें हो सकती हैं? मैं जानती थी साईं कि सब तुम्हें तोहफा देना चाहते थे, लेकिन बात इतनी बिगड़ जाएगी कि मुझे पता नहीं था, वरना मैं सबको जरूर रोक लेती। भाई सम्मा, आपकी गलती नहीं है। आए, गलती हमारी है, हम ही बह गए थे। बस आए, हमें माफ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। माफी मुझसे नहीं, तुम्हें एक दूसरे से मांगनी चाहिए।
क्योंकि मुझे खुश करने के लिए तुमने एक दूसरे का दिल दुखाया है। तुम दोनों गले नहीं मिलोगे। माफ कर दो तात्या, सिर्फ तोहफे वाली बात के लिए नहीं, अपने व्यापार पे ध्यान न दे पाने के लिए भी। अब से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपनी जिम्मेदारी निभा पाऊं। गलती मेरी भी है केशव, मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया जबकि तुमने बोला था कि प्रहलाद को वादा किया था तुमने। उससे मैं पता नहीं क्या क्या बोल गया ना तुम, मुझे माफ करना दोस्त। मैंने तो कहा था तुम दोनों मेरे गले नहीं लगोगे, तुम तो आपस में ही गले लगने लग गए। अंत भला तो सब भला। साई आ गए होंगे ना? आज पहली बार ऐसा हुआ है कि गुरु पूर्णिमा पे हम साई के पास नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है। सही कहा तुमने, साई हमारी मदद के लिए ना दिन देखते हैं ना रात, और आज हमने चंद पैसों के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन उनसे मिलने का मौका छोड़ दिया। क्या कह रहे हैं आप? गुरु पूर्णिमा के दिन भी काम? आपको पता है ना, कल सारा गांव साई से मिलने जाएगा। ये लो। लो। साई के लिए छतरी लाया हूं ना, उन्हें दे देना। काम के सिवा आपको कुछ सूझता भी है? उस दिन आप जुलूस नहीं आए तो साई आकर विश्वास को ले गए। हर रोज आप देर से आते हैं, लेकिन साई आकर विश्वास से मिलना नहीं भूलते हैं ताकि उसकी मायूसी दूर हो सके। साई हमारे लिए इतना सोचते हैं और आप उनके लिए एक दिन भी नहीं निकाल पा रहे। अब तुम सब ये बातें बंद करोगे? अरे एक साल नहीं गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई? कर्म से बड़ा धर्म कुछ नहीं होता, साई भी यही कहेंगे। बेकार में इतना भावुक हो रहे हो। चलो ज्यादा मत सोचो, काम करो। और फिर हम लोगों ने तोहफे तो भिजवा दिए ना अपने घर वालों के हाथ, बस साई खुश हो जाएंगे, वो हमें जरूर समझेंगे। चलो काम करो। साईं, ये तोहफे जिनकी तुम्हें जरूरत नहीं है
अब उनका क्या करोगे तुम? उपहारों में जिसकी जरूरत का जो सामान है वो उसे ले जाए और बाकी सारे उपहार हम मारुति मंदिर में सजाएंगे। आगे चलकर पालकी में भगवान का जुलूस निकला करेगा, चांदी की थाली में भगवान की आरती होगी और रेशम की रजाइयां श्रद्धालुओं के बैठने के काम आएंगी। साई, आपने तो हमारे तोहफों का मान बढ़ा दिया। तोहफों की बात तो हो गई साई, लेकिन हम सब ने मिलकर द्वारका माई पर तो मेहनत की है, क्या ये मेहनत आपको अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी फलसपति जी, क्योंकि ये काम आपने एक साथ मिलकर किया है। अब से द्वारका माई इसी एकता और एकजुटता का प्रतीक होगी, और जब भी ऐसा लगे कि कोई आपसी मतभेद होने वाला है तो मैं चाहता हूं कि आप द्वारका माई को देखें और ये याद रखें कि द्वारका माई इतनी सुंदर इसलिए है क्योंकि आप सबने एक साथ आकर इसे अपने प्यार से सजाया है। साईं, आपकी ये बात हम हमेशा याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। अब मुझे मेरे सिंहासन पर कौन बिठाएगा? मतलब मेरे पत्थर पर कौन बिठाएगा? हम बिठाएंगे।
साईनाथ महाराज की जय, साई बाबा की जय, साई ओम साई ओम साई ओम। नमस्ते उपाध्याय जी। अरे उपाध्याय नय छोटो उपाध्याय, कितनी बार बोला तुमको मैं तुम्हारा गलत नाम लेने से भी आज हमको बुरा नहीं लगा, आज हम बहुत खुश है। चलो काज करो काज करो। साईं नमस्ते। नमस्कार। आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं, मछली का इंतजाम हो गया क्या? अरे उससे ही बड़ा खुशखबरी है। शुरो, आओ आओ हमारे साथ आओ, आओ। अरे क्या हुआ, हाँ जो गोरा साहब मिल कंस्ट्रक्शन करने आया था ना, वो बहुत खुश हुआ कि छुट्टी के दिन मिल चालू है। सब तुम्हारा वजह से हुआ शरद। शुक्रिया साहब। ये लो रखो, ये जितना वर्कर लोग को तुम लाया था उसका कमीशन। फोरमैन साहब। क्या क्या कहा आपने? अरे वही जो तुमने सुना, आज से तुम इस मिल का फोरमैन है, हमारा बाद इस मिल का सबसे बड़ा कर्मचारी। जितना वर्कर है ना, सब आज से तुम्हारा हाथ के नीचे काज करेगा। और इतना ही नहीं, आज से तुम्हारा तनख्वाह 3 रुपया प्रतिदिन, समझे? और ओवर टाइम अलग से। शरद साहिब। अभी हमारा सांस रुक जाता है। माफ कीजिएगा सर, पहली बार इतनी बड़ी खुशी मिली है ना, बर्दाश्त नहीं कर पाए। बड़ा खुशी के साथ बड़ा जिम्मेदारी आता है शरद। आज से हफ्ता में तुम्हें एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलेगा, हर दिन काम करने आना पड़ेगा। जो भी तुम ऐसा कर सकता है तभी हम तुमको फॉरमैन बनाएगा। मंजूर है सर, पैसा तो मिलेगा ना, और क्या चाहिए? और घर आती लक्ष्मी के मुंह पे दरवाजा कौन बंद करता है साहब? एकदम सही, यही राइट एटीट्यूड है। आज तुम्हारा जीवन का सबसे बड़ा दिन है, तो आज मिल बंद हो जाएगा ना, तो हम और तुम नगर जाएगा, थोड़ा थोड़ा पिएगा, और सुना है उधर मछली भी मिलता है। साहब मैं पीता नहीं हूँ, और मांस मछली शिव 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 मैं छूता भी नहीं। शरद तुमको क्या लगता है हम तुम्हारे साथ मछली शेयर करेगा, मछली बांटेगा? नेवर। रहा बात पीने का, तो आप तुम फोरमैन है, मजदूर नहीं है, और अपना कायदा कानून बदलो। साहिब आज गुरु पूर्णिमा भी है, आज के दिन पीना। शरद लाइफ में असली गुरु सिर्फ बॉस होता है, और बॉस की नजर में अच्छा बना रहना है तो बॉस जैसा रहना है। बॉसेस लोग के साथ बैठ के पिएगा तो सम्मान बढ़ता है, है? जीवन के तरक्की का सबसे बड़ा गुरु मंत्र दे रहा है तुमको चट्टोपाध्याय। साहिब। वाह। आज आप सब ने मेरी गुरु पूर्णिमा को यादगार बना दिया। अब मेरी तरफ से आप सबको द्वारका माई में दावत देने की बारी है। आइए साईं। नहीं तात्या, दावत मैंने दी है, मैं ही सबको परोसूंगा। है भोला भंडारी मेरा शिरडी वाला साईं,
क्या हुआ विश्वास? बाबा बदल गए साईं, मैं उनके लिए जैसे कुछ भी नहीं हूं अब। तुम्हारे मन का हाल मैं जानता हूं विश्वास, शरद बदला नहीं है, भटक गया है, उसका प्यार कम नहीं हुआ है, वो बस ये समझ नहीं पा रहा है कि तुम्हारे लिए क्या जरूरी है। तुम चिंता मत करो, तुम प्रसाद खाओ, श्रद्धा और सबूरी रखो विश्वास, राम जी सब ठीक कर देंगे। सच साईं? हाँ, बस इतना याद रखना, सुबह होने से पहले रात सबसे अंधियारी होती है, इसलिए सब ठीक होने से पहले मुश्किलें बढ़ेंगी। तुम बस अपने मन से उम्मीद मत मिटने देना विश्वास। शरद, तुम संतुलन खोकर गलत दिशा में जाने वाले थे, चोट लग जाती, तुम्हें सीधे जाना है। प्रणाम साईं। वो गुरु गुरु पूर्णिमा की बधाई साईं। आज मेरी भी तरक्की हो गई, फोरमैन बन गया मैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो शरद। वो छतक कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा था, मुझे ये देखकर खुशी हुई शरद कि तुम तरक्की कर रहे हो। लेकिन मुझे उम्मीद है शरद कि तुम अपनी कामयाबी की खुशी अपने परिवार के साथ भी मनाओगे। हाँ साईं, ये देखिए तोहफे, घर में सबके लिए। जाकर दे दूंगा, सब खुश हो जाएंगे। शरद, घर तक का रास्ता अपने अपनों तक का रास्ता बड़ा सीधा और सरल होता है, कहीं भटक मत जा। बहुत देर हो गई साईं। अभी भी देर नहीं हुई है शरद, सवेरा अब भी हो सकता है, सिर्फ आंखें खोलने की देर है। इतनी रात हो गई है, बाबा क्यों नहीं आए? पता नहीं, जा तू सो जा। हाँ? नहीं आई, नींद नहीं आ रही है। क्या हुआ आई? पता नहीं, रह रहे की जलन हो रही है। आई? क्या हुआ, तबीयत खराब है? थोड़ी जलन है सीने में। कितनी बार बोला मैंने खाना समय पर खाया, सुनती ही नहीं। मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मिल में खाना मिल जाता है। आप ठीक तो हैं? आंखें क्यों लाल दिख रही हैं आपकी?
आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ मुझे। बाबा। मेरा बेटा कितना ख्याल रखता है मेरा। आप लड़खड़ा के क्यों चल रहे हैं? कहीं चोट तो नहीं आई? लड़खड़ा के? मैं? नहीं तो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। ए विश्वास, इधर आ, इधर आ, देख क्या लाया हूं तेरे लिए। ये देख। ये देख। और ये सब तेरे लिए। मेरे बेटे के लिए हर खुशी आएगी अब। कल ही मास्टर जी ने इसकी शिकायत की है और आप इसे समझाने के बजाय इसे ये सब दे रहे हैं। विश्वास, गलत बात है बेटा। कल से अपना गृह कार्य समय से करना, समझे? चलो जाओ, खेलो अपने खिलौनों से, जाओ। उसके सोने का समय हो गया है और आप उसे खेलने के लिए कह रहे हैं? मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। वैशाली, खाना खा लिया है मैंने। ये देखो। झुमके तुम्हारे लिए लाया। अब बंधन के रहा करो। फोरमैन की पत्नी हो मैं ना? वो बकाली बाबू है ना, उन्होंने फोरमैन बना दिया है मुझे। तरक्की हो गई है मेरी। वैशाली, मुंह क्यों लटका रखा है? आज से रोज का 3 रुपया मिलेगा मुझे, 3 रुपया। आप शराब पी कर आए हैं, वो भी गुरु पूर्णिमा के दिन? अगर विश्वास को पता चला कि आप पीते हैं, उस पे क्या असर पड़ेगा? वैशाली, अब तुम खुशी के दिन मेरा मन मत खराब करो। फोरमैन बनाऊं मैं, बड़े साहब के साथ बैठता हूं, कभी कभी साथ बैठकर पीना पड़ेगा। आज फोरमैन बनाया उन्होंने मुझे, तो कहा कि साथ चलो, मना कर देता क्या? कितने बदल गए हैं आप। पैसों के सामने आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तुम समझ नहीं रही? सब समझ रही हूं मैं। ये झुमके बच्चे के लिए इतनी महंगी चीज दिलाकर आप अपने ना होने की भरपाई कर रहे हैं। आप समझ क्यों नहीं रहे? हमें आपके पैसे नहीं, आपका समय चाहिए। आपके बेटे के चेहरे की हंसी चली गई है। आपके आई बाबा आपके साथ बैठकर 2 रोटी खाने के लिए तरस रहे हैं, ये आपको दिख नहीं रहा है? और आप कह रहे हैं कि ये सब हमारे लिए कर रहे हैं? लेकिन आप तो हमारी जरूरतें भी नहीं समझते हैं। अरे तुम मेरा खान रखो, ये तो फेंक दो, दिमाग मत खराब करो मेरा। हिम्मत है तो मेरे सामने आ। कहाँ है तू फकीर? लगता है उस फकीर को पता चल गया कि आप आने वाले हैं। हरिओम हरिओम।
अंग्रेज सरकार के सामने मेरी किरकिरी करके कहां छुपा है तू फकीर? लेकिन जहां कहीं भी छुपा है तू, तू निकालूंगा तुझे और तुझसे प्रतिशोध लूंगा। हरिओम। ए, देख क्या रहे हो? थाओ अपना यह हथौड़ा और तोड़ दो इन दीवारों को, बना दो इस जगह को फिर से खंडर। जी संता जी। जाओ। ए, जोर लगा। अरे उठो ना। ए, क्या हुआ? सरकार, यह थोड़ा अचानक इतना भारी हो गया जैसे चट्टान पकड़ ली हो। ए, क्या पकड़ रहा है? यहां तक तो उठाकर लेके आया इसे, अब क्या हुआ? लगता है भोजन नहीं किया है। एक से उठा। जोर लगा। उठा। और जोर से। उठा। सरकार, मनुष्य हो या ईश्वर, प्रत्येक कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है। हरिओम। मेरा यह ज्ञान है ना, अपने झोले में रख। तेरे काले जादू से ना तो मैं भयभीत होने वाला हूं और ना ही भ्रमित। वर्षों से देखता आया हूं तेरा यह नाटक। जाती रही भावना जैसे। सरकार, इस द्वारका माई को शिरडी के लोगों ने समर्पण, विश्वास और श्रद्धा की भावना से संवारा है और वही भावना इसका सुरक्षा कवच भी है। वैसे आप इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे कुलकर्णी सरकार? अरे जैसे तो जानता ही नहीं है, बना बनाया काम बिगाड़ दिया तुमने। बीच में टांग अड़ाने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? औरे साहब को मैंने बागिन का बच्चा देने का वादा किया था और वादा तोड़ने की वजह से कितनी खरी खोटी सुनाई साहब ने सरकार को। इतना जलील किया, इतना जलील किया कि इनकी कोई इज्जत ही नहीं रही। इससे पहले कई बार तुमने मुझे हानि पहुंचाई है फकीर, आज उसकी भरपाई मैं करवा के रहूंगा। बहुत घनिष्ठता है ना वन्य पशुओं से तेरी? चल, वो बाघिन का बच्चा लाकर मुझे दे, नहीं तो तेरे किसी भक्त को मैं इतना कष्ट दूंगा, इतनी वेदना दूंगा कि तू कभी भूल नहीं पाएगा। किसी और को परेशान क्यों करना चाहते हैं आप कुलकर्णी सरकार? आप यहां खुद आए हैं मेरी सहायता मांगने, तो मैं आपकी मदद अवश्य करूंगा। लगता है सुधे आ गया है ये। ये क्या था? ये क्या है? कराटे ले रहा है? ये कैसी मूर्खता है?
देखो फिर से वही। सरकार लगता है ये फकीर अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। ये कैसी आवाज है? इस बार तो तूने मुंह खोला नहीं। ये उसी बाघिन की आवाज है कुलकर्णी सरकार। हाँ, अपने बच्चे को साथ लेकर वो यहां आ रही। बाघिन? हाँ कुलकर्णी सरकार, छोटा बच्चा अकेला कैसे आएगा है? उसकी मां भी तो साथ आएगी ना। जब बाघिन यहां आएगी तब आप उससे उसका बच्चा छीन कर ले जाइए। एक ही आवाज की बात कर रहे हैं। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सरकार, इस फकीर का दिमाग खराब हो गया है, कुछ भी कर सकता है। अगर बाघिन यहाँ पर आ गए तो हड्डियां चबा जाएगी हम सबकी। हाँ ठीक है ठीक है। बाघिन से कहो कि इतना दूर आने की आवश्यकता नहीं है, और वैसे भी मंगोरी साहब चले गए, किसी और दिन बुला लेंगे उसे। जैसी आपकी इच्छा कुलकर्णी सरकार। अंतिम चेतावनी है ये, फिर बीच में कभी टांग अड़ाने का प्रयास मत करना। फकीर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हरि ओम। विश्वास जम गया? हाँ। अच्छा है, आज मिल जाने से पहले उससे मिलके जाऊंगा। कहाँ है वो? खेलने गया। इतनी सुबह? सुबह गांव के बच्चे कबड्डी खेलते हैं, कोई प्रतियोगिता है दूसरे गांव के बच्चों के साथ, उसी का अभ्यास करते हैं। मुझसे मिले बिना तो वो कहीं जाता ही नहीं था। शायद आपके ना होने की आदत पड़ गई है उसे। और हाँ, आपके दिए कपड़े और चश्मा पहन कर गया है वो। विश्वास, तुम एकदम साहब जैसे लग रहे हो, जैसे किसी अंग्रेजी पाठशाला से आए हो कोई। वाह विश्वास, इतने अच्छे कपड़े। और ये ऐनक, अंग्रेज लोग भी देखते रह जाएंगे। बाबा की तरक्की हुई है मन में। आजूबा बता रहे थे बड़े साफ बन गए हैं वो, इसलिए मुझे भी बन ठन के रहना होगा ना। मुझे तो सबसे ज्यादा तुम्हारी ऐनक पसंद आई। अरे नंदू, ऐनक नहीं, चश्मा कहते हैं इसे। इतना भी नहीं पता। और इसे कहते हैं कोड।
कभी तुमने देखा नहीं होगा। और हाँ, और भी एक चीज लाके दिए बाबा ने। ये क्या है? लकड़ी का टुकड़ा? लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, पता नहीं है तुम्हें? देखते जाओ। हमें भी इससे खेलने दो ना। नहीं नहीं, तुम लोग खराब कर दोगे, बहुत महंगी चीज है। कोई बात नहीं, मेरे नाना जी ने भी मुझे दिया था, मैं शाम को ले आऊंगा, फिर हम सब खेलेंगे। और विश्वास, ये कोट पैंट तो बहुत है मेरे घर पे, भाई तो रोज पहनने को कहती है, पर मुझे दिखावा पसंद नहीं, और फिर धोती कुर्ते से अच्छा कुछ नहीं। चलो चलो, कबड्डी खेलते हैं। विश्वास, तुम भी अपने कपड़े बदल कर आ जाओ, वरना गंदे हो जाएंगे। हाँ, ऐसे कपड़े पहन के खेलने क्यों आए? कबड्डी तो मैं खेलूंगा, लेकिन मुझे अपने दल का मुखिया बनना है। ऐसा कैसे हो सकता है? दल का मुखिया तो हमेशा प्रहलाद ही बनता है, क्योंकि वही सबसे अच्छी कबड्डी खेलता है। और तुम तो हर बार हारते हो, दल को कैसे जिता पाओगे? हम सबको हारना नहीं है। डिब्बा भर के रखी है, मुझे मुखिया बनाया तो हर दिन लाऊंगा। मुझसे मिले बिना तो वो कहीं जाता ही नहीं था। शायद आपके ना होने की आदत पड़ गई है उसे। आई बाबा आपके साथ बैठकर दो रोटी खाने के लिए तरस रहे हैं, ये आपको दिख नहीं रहा है? और आप कह रहे हैं कि ये सब हमारे लिए कर रहे हैं? साई को कल रात नशे की हालत में मिला था, कैसे मुंह दिखाऊं उन्हें? अभी चुपचाप निकल लेता हूं, शाम को मिठाई लाकर माफी मांग लूंगा। साई, अभी तो आप उधर, फिर इधर। शरण, ऐसा काम ही क्यों करना कि माफी मांगने या मुंह छुपाने की नौबत आ जाए? साईं, कल रात के लिए माफी, वो मैं, लेकिन वो बस एक ही दिन के लिए था, अब दोबारा नहीं सही। असल में कल मेरी तरक्की हुई थी,
अजीब बात है ना साईं, कल सब लोग आपके पास गुरु पूर्णिमा पर आपका आशीर्वाद लेने आए थे ये सोच के कि उनका भला होगा, और देखिए मेरा भला ही इसलिए हुआ क्योंकि मैं आपके पास नहीं आया। इसका मतलब काम को प्राथमिकता देने का मेरा निर्णय सही रहा ना, और मेरे ना आने का बुरा भी आपको नहीं लगा होगा, इसीलिए तो मेरी तरक्की हुई ना साईं। शरद, तुम्हारी तरक्की तुम्हारी मेहनत और लगन की वजह से हुई है, इसका तुम्हारी मुझ पर श्रद्धा या बड़े साहब के साथ बैठकर कुछ खाने या पीने से कोई संबंध नहीं है। तो तुम्हारी तरक्की के बाद तुम्हारा परिवार बहुत खुश हो गया होगा, तुम्हारी आई बाबा ने तुम्हें आशीर्वाद दिया होगा, विश्वास ने भी तो गले लगाया होगा, और वैशाली सबसे ज्यादा खुश हो गई होगी। खुश है ना सब शरद, क्योंकि आखिर तुम ये सब उनकी खुशी के लिए तो कर रहे हो, है ना? समय हो गया है, मैं आपसे बाद में मिलता हूं। घर पे डिब्बा भर के रखी है, मुझे मुखिया बनाया तो हर दिन लाऊंगा। मुझे ये टॉफीज नहीं चाहिए। हमें भी नहीं चाहिए। हमारे दल का मुखिया प्रहलाद था और वही रहेगा। तुम अपनी टॉफी अपने पास ही रखो। सुन लिया विश्वास, लेकिन हमारे दल में अभी भी तुम्हारे लिए जगह, मिलना चाहते हो? तुझे क्या लगता है तू हम सब का मालिक है? सच में मुखिया है तू जो मैं तेरी बात मान लूंगा? अच्छे से चलो चलो, जल्दी जल्दी काम करो, हाथ रुकना नहीं चाहिए, चलो जल्दी काम करो। फॉरमैन क्या बन गया, इसके तो एक ही दिन में रंग बदल गए। ठीक कहा, देखो कैसे रुआब झाड़ रहा है। क्या हो रहा है? मिल से काम करने का पैसा मिलता है, बातें करके समय बर्बाद करने का नहीं, काम करो। अब काम फुल स्पीड से होगा, एकदम सही आदमी चुना हम। क्या हो रहा है ये? क्या वो कपड़े को थोड़ी देर रंग में डुबो के रखो, तभी रंग पक्का होगा, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। तुमसे पहले से काम कर रहा हूँ इस मिल में, आज तक एक भी शिकायत नहीं आई, इसलिए तुम मुझे मत सिखाओ। ज्यादा देर अगर कपड़े को रंग में रखा तो वो खराब हो जाता है। फीवा दोस्त होकर भी मुझे महत्व नहीं देगा तो ऐसे तो औरों के सामने भी मेरा रौब कम हो जाएगा। यहाँ का फोरमैन मैं हूं, तुम नहीं। जो कह रहा हूं वो करो। शरद, फोरमैन तुम आज बने हो, काम करते मुझे महीनों हो गए, तुम मुझे मेरा काम तो मत सिखाओ। तुम्हें काम आता है तो ये भी आता होगा कि अपने से ऊंचे पद के व्यक्ति से कैसे बात करते हैं। शरद बीवा बाबा बाबा, लड़ाई होने वाला है यहाँ, कुश्ती करने वाला है तुम लोग।
भीमा शरद को मारेगा है? चलो चलो स्टार्ट करो, कुश्ती स्टार्ट करो। ऐ सुनो, मिल में कुश्ती होने वाला है तो सब काम बंद करके हम लोग कुश्ती देखेगा, ठीक है? लेकिन उपाध्याय जी, उपाध्याय नौ चढ़ उपाध्याय, अरे तुमको हमारा नाम याद नहीं है, तुमको काम क्या खाक याद रहेगा? और तुमको कुश्ती करना है, लड़ाई करना है तो हम जायगा बना के देता है, करो। लेकिन पागा नहीं मिलेगा। अब काम करना है तो अपना फोरमैन का बात सुनो। मिल में वो तुम्हारा सीनियर है और यही बात हम सबको बोल देता है, जो शौरत बोलेगा वही करना पड़ेगा, नहीं तो सबके लिए मुश्किल हो जाएगा, समझा? शौरत साहब, ऑफिसर साहब, जरूरी काम है साहब। सुना सबने, चट्टोपाध्याय जी की बात सुनने के बाद भी किसी को शक है तो बोले, नहीं तो काम पे ध्यान दो, हाथ नहीं रुकना चाहिए। विश्वास, तुमने अपने दोस्त को धक्का क्यों दे दिया? इसका सिर पत्थर से टकराता तो इसे गहरी चोट आ जाती। ये सब लोग मुझे दल का मुखिया नहीं बना रहे, सब लोग प्रहलाद के साथ हैं। और ये प्रहलाद ये जता भी रहे कि कोई मेरे साथ नहीं है, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। लेकिन तुम्हें मुखिया क्यों बनना है विश्वास? क्योंकि मेरे बाबा भी मेल में मुखिया बन गए हैं, इन सबके बाबाओं के मुखिया हो गए हैं, सब उनके नीचे काम करते हैं, उनका हुक्म मानते हैं, इसलिए हाँ मुझे भी इनका मुखिया बनना चाहिए। इतना अकड़ क्यों रहे हो? मेरे आजोबा तो मिल के मालिक हैं, मैं तो नहीं अकड़ता। और ये जो तुम नई चीजें दिखा रहे हो ना, इनसे मैं उब चुका हूँ। और हाँ, सबके बाबा मिल जाते भी नहीं है, फिर तुम्हारे बाबा उनसे ऊपर कैसे हो गए? और प्रहलाद को हमने इसी ने मुखिया बनाया क्योंकि वो खेल में सबसे अच्छा है। इनका कहना भी सही है विश्वास, तुम्हारे बाबा मुखिया बने हैं तो अपनी योग्यता के कारण। इसी तरह खेल में भी मुखिया अपनी योग्यता से ही बना जाता है, लालच या जोर जबरदस्ती से नहीं। लेकिन इन्होंने कैसे मान लिया कि मैं योग्य नहीं हूँ? मुझे भी खेलना आता है तो मुझे भी मौका मिलना चाहिए ना। हाँ, तुम्हारी ये बात तो मैं मानता हूँ। चलो एक काम करते हैं, तुम्हें और प्रहलाद को अपनी योग्यता साबित करने का एक मौका देते हैं। प्रहलाद आओ, तुम दोनों एक साथ कबड्डी कबड्डी बोलना शुरू करोगे। जिसकी सांस पहले टूट गई वो हार जाएगा और जीतने वाला मुखिया बनेगा। मंजूर है? जी सर, मैं तैयार हूं। शुरू करो। आओ आओ शरद, आओ। क्या हुआ चट्टोपाध्याय जी, बड़े परेशान लग रहे हो? परेशानी का बात है शरद, काम एकदम धीरे चल रहा है। साहब मैं तो पूरी जान लगा रहा हूँ, लोगों से बिना रुके हुए काम करवा रहा हूँ।
अरे उससे कुछ नहीं होगा शरद, अभी भी आधे से ज्यादा वर्कर ओवरटाइम नहीं कर रहा है। यदि सब वर्कर ओवरटाइम नहीं करेगा तो हमारा न ज्यादा काम बनेगा न तुम्हारा कमीशन बनेगा। ठीक है साहब, मैं फिर से बात करता हूँ। अरे बात करने से नहीं होगा। तो मैं क्या करूँ साहब, कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें ज्यादा पैसे कमाने का शौक ही नहीं है, समय से अपने घर जाना चाहते हैं। अरे नदी किनारे प्यार से मछली को बुलाएगा तो क्या उछल के गोद में बैठ जाएगा? जाल बिछाना पड़ता है, और तुम फोरमैन होकर जाल नहीं बिछा सकता है तो फिर फोरमैन कैसा? मैं जानता हूं साहब मुझे क्या करना है। सुनो, ध्यान से सुनो, मिल में काम बहुत धीरे से हो रहा है, इसलिए आज मैंने फैसला किया है सबको ओवरटाइम करना जरूरी होगा। ऐसा कोई नियम नहीं है, केशव ने खुद बताया था। ये नियम मैंने अभी बनाया है और इसका पालन सबको करना होगा। काम पे रखते समय जो नियम बताए थे हम उन्हीं का पालन करेंगे। नए नए नियम बना के थोपे नहीं जा सकते हैं। मैं जो चाहूं कर सकता हूं, और तुम ऐसे कैसे मना कर सकते हो? सुनानी चट्टोपाध्याय जी ने क्या कहा था, तुम सबको मेरी बात माननी होगी। और अगर नहीं मानू तो? नहीं माने तो नौकरी से हाथ धोना होगा। कबड्डी 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 तुम जीत गए। विश्वास, तुम्हें यह परिणाम स्वीकार करना होगा। प्रहलाद तुमसे बेहतर खिलाड़ी है। अब सारी बातें भूल जाओ और सबके साथ खेलो और अभ्यास करो। जिस दिन तुम अपनी मेहनत से सबसे अच्छे बन जाओगे उस दिन मुखिया की दावेदारी जरूर करना, लेकिन तब तक सीखो। लेकिन साई, इसने प्रहलाद को धक्का दिया। अगर इसे हमारे साथ खेलना है तो पहले प्रहलाद से माफी मांगनी होगी। अपना खेल और अपना दल अपने पास रखो। नहीं खेलना मुझे, मैं नए दोस्त बना लूंगा। विश्वास, अपनी गलती मान लेना ही कुछ सीखने की दिशा में पहला कदम होता है। तुम अच्छे बच्चे हो ना? साईं, कोई फायदा नहीं है, ये लोग मुझे अच्छा नहीं मानते। और आज ही पहली बार नहीं हुआ है, उस दिन भी ट्रॉफी की बात लेके गुस्सा हो गए थे मुझ पे। तो क्या वो मैंने ट्रॉफी पहले खा ली थी? वो मेरी ट्रॉफी थी।
आम खाओगे? तुम कौन हो और अचानक से मुझे ये आम क्यों दे रहे हो? मेरा नाम मदन है, पास के गांव से हूँ। मैंने देखा तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारे दोस्तों ने ठीक नहीं किया। मेरे ख्याल से दल का मुखिया तुम्हें ही होना चाहिए, है ना? बिल्कुल, तुम मेरे दोस्त बन जाओ और अगर तुम चाहो तो हमारे गांव के दल का मुखिया बनकर भी खेल सकते हो। सच? क्यों नहीं, हमारे दल में थोड़े बड़े लड़के हैं, यहाँ वालों को आसानी से हरा देंगे और तुम अपने दोस्तों को हरा के उन्हें सबक भी सिखा सकते हो। मंजूर है, लेकिन तुम्हारे दोस्त मुझे दल का मुखिया बनने भी देंगे? थोड़ा पैसों का लालच ना किसी को ही मना सकता है। पैसे तो मेरे बाबा के पास बहुत है। ठीक है, कल दोपहर हमारे गांव के मैदान पर मिलते हैं। ठीक है। अच्छा बकरा फंसाया है, आने वाले दिनों में ये हमारे सारे खर्चे उठाएगा। साईं, विश्वास को क्या हो गया? उसने पहले कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया। जब हम विवेक से काम ना लेकर अपनी अहम की सुनते हैं तो हमेशा गलती कर बैठते हैं, और ये चीज बच्चों के साथ ना हो इसलिए बड़ों को उन पर नजर रखनी चाहिए, उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। उम्मीद है विश्वास को दोबारा ऐसा मार्गदर्शन मिलने लगे, वरना अल्लाह मालिक। भीमा काका ठीक कह रहे, ऐसे नियम नहीं बदले जा सकते। बास केशव बाबू, हमने आपको पहले ही बोला है आपका काम अकाउंट का है, ये प्रोडक्शन में दखल मत दीजिए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम With me, please go and talk to Bolan Babu. और यहाँ हमारा मजदूर को मत भड़काइए। ये मेरा अंतिम फैसला है, सबको ओवरटाइम करना होगा। और रही बात पैसे की, तो ओवर टाइम का ज्यादा पैसा मिलेगा। गुलाम नहीं है हम तुम्हारे, खरीदा नहीं है इस मिल ने हमें। मैं ओवर टाइम नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी तरह नहीं बनना चाहता हूं, जिसके पास अपने परिवार के लिए वक्त ही नहीं है। नील बता रहा था विश्वास को, उसके मास्टर जी आजकल बहुत डांट रहे। तुम्हारे बाबा को खांसी थी तो उनके लिए उदी मैं ले गया। शायद तुमको पता भी नहीं चला होगा, क्योंकि तुम्हारे सर पे तो पैसों का भूत सवार है। मैं तुम्हारी तरह अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता हूं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ऐसे बात करो, वो भी अपने फोरमैन से? मैं तुम्हें अभी इसी वक्त नौकरी से निकालता हूं। जाओ यहां से, दोबारा मत आना। और किसी को भी जाना है तो दरवाजा खुला है, जा सकता है।
वाह शरद, ऐसा ही काम करता रहा ना तो एक दिन तुमको हमारा जगह मिल जाएगा। हाँ बहुत जल्दी। साहेब अब सबको ओवर टाइम के लिए मना लिया है। हाँ। तो मेरा कमीशन कितना बनेगा? 10 रुपया। शरद ने मुझे नौकरी से निकाल दिया साहेब। वो क्या हुआ भीवा? अब तो जमीन भी नहीं है तो करूंगा क्या? तो? साहिब घर पे बीवी बच्चे की जिम्मेदारी है, गुजारा कैसे होगा? चींटी का आकार कितना छोटा है, मेरा हाथ इसके सामने पहाड़ से कम नहीं है, लेकिन ये घबराई नहीं। इसने अपने सामने आई चुनौती का सामना किया और अपनी मंजिल तक पहुंच गई। उसी तरह तुम्हें भी अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना होगा। मिल में जो तुमने आवाज उठाई, तुम्हें लगता है क्या वो गलत था? बिल्कुल नहीं। तो फिर जो चुनौतियां आएंगी उनका सामना डट कर करो। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है तो समझ लो कि ईश्वर तुम्हारे साथ है, क्योंकि सच्चाई में ईश्वर का वास होता है और जिसके साथ ईश्वर हो उसे कोई हरा नहीं सकता। आपने सही कहा साई, अब कुछ भी हो जाए मैं गलत के सामने झुकूंगा नहीं। किसी और के खेत में मजदूरी करनी पड़े मंजूर है, पैसे कम मिलेंगे मंजूर है, लेकिन साई मुझे अब उन लोगों की चिंता है जिनको डरा धमकाकर जबरदस्ती ओवर टाइम करवाया जा रहा है। उनके साथ भी तो गलत हो रहा है, जो कुवारे भी हैं, उनके भी माँ बाप हैं, जिनका ध्यान रखा जाना है, वो क्या करेंगे साई? क्यों? जो मजदूर किसी दबाव में आकर मिल में ओवर टाइम कर रहे हैं, क्या उन सबको तुम कल सुबह मिल जाने से पहले मेरे पास लेकर आ सकते हो? जरूर साई, मैं ले आऊंगा, लेकिन आपने आगे क्या सोचा है साई? श्रद्धा और सबूरी भी बात, कल सब समझ जाओगे।